Redmi Note 5 Pro के लिए अभी एक्स आर वी जी एडिशन वर्ज़न 2 जो है बिल्ड आया हुआ है, और इसके दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक है मॉडिफाइड वर्जन, एक है लाइट वर्जन। लाइट वर्जन बिल्कुल सिंपल आपका नॉर्मल ही जैसे रहता है उसी तरीके से रहेगा। मॉडिफाई में एप्लीकेशन अपडेटेड है और कुछ जैसे कि आपको अपग्रेडेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि गैलरी, ये सब आपको नॉर्मली आपको अपडेटेड नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडिफाइड उसके अंदर आपको ज़्यादातर चीज़ें अपडेटेड और बिल्कुल लेटेस्ट ज़्यादातर चीज़ें ऐसी देखने को आपको मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अब इसके जो है नॉन रिपार्टीशन ही बिल्ड रहेगा, एंड्रॉइड 10 वाले जो भी आएंगे नॉन रिपार्टीशन ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हमें बाकी यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी एक्स आर ओ जी एडिशन 12.5.3 स्टेबल दिखा रहा है, जो कि इस पे बेस्ड है ये, एंड मेंटेनर नेम भी दिया गया है। ऑल स्पेक्स में जाती है, ओवरक्लॉक्ड है 2.21 आपको मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ आता है। सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे जून 2021 का देखने को मिलने वाला है, और कर्नल इसके अंदर डीगल का वर्जन, डीगल का 17 वर्जन दिया गया है, जो कि न्यू कैम है उसे ये। और यहाँ पे बोल्ट कुछ इस तरीके का मिलता है। अगर बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर ऐसे आपका स्मूथ रहता है, कभी कभार हल्का जिटर मिलता है, बट ज़्यादातर आपका स्मूथ ही रहेगा। एसेंट कलर को भी वैसे इसके अंदर आप चेंज कर पाओगे डेवलपर ऑप्शन से। और इसके अंदर एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट बिल्कुल वर्किंग है इसके अंदर, आपका ये चीज़ इनेबल हुआ पड़ा, आप देख सकते हो दोनों साथ में काम करते, इसको लेकर के दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। और एडिट में जाते तो ऐसा कुछ नहीं, इनकॉग्निटो जरूर इसके अंदर मिल जाता है, ये चीज़ ऐड किया गया, बट और ऐसा कुछ नहीं रहेगा। नियर बाय शेयर ये सब आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम पैनल हमें जो है कुछ इस तरीके का रहेगा, इस पर भी एसेंट कलर मिलता है। पावर मिनी यहाँ पे एडवांस वाला, डबल टैप करोगे तो फिर आपको रिकवरी और फास्ट मूव पे जाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और ऐप ओपनिंग यहाँ पे अच्छा तो मिल जाता है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपका मिसिंग रहेगा कि इसके अंदर जो है फुल ऐप ओपनिंग एनिमेशन नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका मिसिंग रहेगा, डायरेक्ट ओपन हो रहा है, डायरेक्ट क्लोज, फुल ऐप ओपनिंग एनिमेशन नहीं मिलता। अगर रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे 1.7 GB तक फ्री देखने को मिल जा रहा है 4 GB के अंदर में, तो इतना फ्री है। और कॉलिंग के अंदर में यहाँ पर जो है हमारा वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। और अगर बात करें इसके वाईफाई कॉलिंग तो काम नहीं करेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है, और ब्लूटूथ डिवाइस वो भी आपका मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर ही काम कर रहा है। और अब बात करें कैमरे के बारे में, तो MIUI 11 वाला कैमरा है जिसमें आपका वाटरमार्क भी काम कर रहा है, पैनोरामा मोड वो भी आपको इसके अंदर वर्किंग मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड भी वर्किंग मिल जाता है। तो कैमरे को लेकर के मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगा, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा मोड या फिर वाटरमार्क हो गया, ये सब काम कर रहा है। वीडियो के अंदर ज़रूर आपका यहाँ पे जो 4K वाला ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा, 1080 तक जो है आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर पाओगे। और GCam यूज़ करना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन पे वीडियो ऐसे मिल जाएगी 8.1 वाले की, तो यही यूज़ करना, 8.1 वाला ही, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका काम करेगा। और इसके अंदर में प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, यानी कि जो सेफ्टी नेट है पास रहेगा, बैंकिंग ऐप आराम से आप यूज़ कर पाओगे विदाउट रूट भी। और इसके अंदर ओके गोल जरूर यहाँ पे ये काम नहीं करता, इसका बग देखने को मिल जाता है। एंड गैलरी की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि ज़्यादातर नॉर्मल ही गैलरी होती है, बट ये एंड्रॉयड 10 है, बट यहाँ इसके अंदर जो गैलरी है बिल्कुल लेटेस्ट मॉडिफाइड गैलरी मिलेगी, यानी कि सारे फीचर जो है यहाँ पे ऐड किए गए, स्काई हो या बाकी के जो फीचर्स होते हैं यहाँ पे आई ब्यूटीफाई वाले, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मोर पे भी देख सकते हो, साथ साथ यहाँ पे जो आपका बैकअप है वो भी आपको गूगल फोटो बैकअप ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 90 FPS तक का आपको यहाँ पे FPS मिल जाएगा, क्वालिटी 100 MBPS तक की रहेगी। हालांकि FM देखने को इसके अंदर नहीं मिलता, FM नहीं है। और यहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादातर जैसे कि आपको बताइए मोड वाला, मैं यहाँ पे इंस्टॉल के मॉडिफाई वाला एप्लीकेशन सारे ज़्यादातर यहाँ पे अपडेटेड लेटेस्ट मिलेंगे। हालांकि गूगल फोटो के अंदर में यहाँ पे क्या है कि गूगल फोटो के अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज बाय डिफॉल्ट तो नहीं मिलती है, बट इसका अलग से एक पैच है जो कि डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको दे दूंगा, वो आपको मैजिक के थ्रू फ्लश करने की जरूरत नहीं है, वो आप रिकवरी से जाके उसको फ्लश कर देना और रिबूट कर देना डिवाइस को, आपका यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। और ये अब चलते हैं सेटिंग में, तो कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ पे बैक करते हैं, चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ, तो यहाँ वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की तरफ। हालांकि जो वॉलपेपर यहाँ पे आपको मैं जो सेट कर रखा हूँ ये वॉलपेपर, ये मैं अलग से डाउनलोड किया हूँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा। बाकी इसके साथ ROG के और वॉलपेपर यहाँ पे जैसे कि ये सब दिए हुए हैं, तो ये वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले, बट जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा, मैं अलग से यूज़ कर रहा हूँ डाउनलोड करके। एंड थीम्स के अंदर भी यहाँ पे दो थीम्स आपको ROG के मिल जाती हैं, जो कि पहले के बिल्ड में भी देखने को मिला करता था। बाकी इंपोर्ट आप यहाँ पे आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थीम स्टोर है वो आपको यहाँ पे चाइनीज़ वाला देखने को मिलेगा, इंग्लिश वाला नहीं है ये, आपको ग्लोबल वाला नहीं मिलता, चाइनीज़ वाला मिलता है। लॉकिंग के अंदर रेस टू बैक, टैप टू बैक ये आपका काम करेगा। नीचे फिर यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन 3 आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर में, और लॉन्च कैमरा, पॉकेट मोड, ये सब आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर लॉकिंग पे
मिलता है। डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पर जो है रीडिंग मोड, कलर स्कीम आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके अच्छे से काम करेंगे। नीचे फुल स्क्रीन ऐप के लिए भी है और ऑल, जैसे कि अलाउ ऑल रोटेशन भी है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में यहाँ पर जो आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है ये बिल्कुल वर्किंग है, इसका यूज़ आप इसके अंदर में कर पाओगे। और नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर में कंट्रोल सेंटर ओल्ड एंड न्यू के लिए है, साइड चेंज करने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे नीचे फिर स्टेटस बार के सेटिंग है जिसमें कनेक्शन स्पीड आप इनेबल कर पाओगे, हाइड नोच वाला ऑप्शन दिया गया है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और होम स्क्रीन यहाँ पे नॉर्मल है, बट यहाँ पे जो सिस्टम नेविगेशन दिया गया ये वाला ओरिजिनल यहाँ से आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसको इग्नोर करना, एडिशनल सेटिंग में हो वाला आपका। बाकी सर्च बार यहाँ से आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर सर्च बार भी। और नीचे फिर यहाँ पे आइकन्स की सेटिंग्स मिल जाती है, साथ साथ हाइड एप्स आइकन भी हैं। और नीचे अरेंज आइटम इनिशन मिल जाएगा नॉर्मल, ये पूरा आपका, तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। फिंगर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों काम कर रहा है। और प्राइवेसी में चल के आपको इंक्रिप्शन दिखा दूँ तो ये रोम जो है बाय डिफॉल्ट आपको डिक्रिप्टेड मिलता है, चाहे लाइट वाला करो चाहे मोड वाला करो, दोनों डिक्रिप्टेड रहेंगे। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन ये भी आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। अब बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी बैकअप भी हालांकि इसके अंदर अच्छा मिल जाता है, बट अगर आप नॉन ओसी करते हो थोड़ी बैटरी और इम्प्रूव होगी इसके अंदर, लेकिन बैटरी थोड़ी अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। और कुछ चीज़ें और आपको यहाँ बता दूँ, जैसे चार्जिंग को लेकर के तो 34% चार्ज होने में करीब 1 आवर 32 मिनट का टाइम लगा, और लास्ट के 9% चार्ज होने में 42 मिनट का जो है टाइम यहाँ पे लगा है, 47 मिनट के करीब का। और बाकी यहाँ पे आपका जो है ड्रेनिंग देखोगे तो सिर्फ 1% का, नाइट में 80% था, मॉर्निंग में 79% देखने को मिला, तो 1% का सिर्फ यहाँ पे देखने को ड्रेनिंग मिला इसके अंदर में, तो 1 से 2% जो नॉर्मल है वही रहता है। और ऐप्स के अंदर में डुअल ऐप लोग काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज आपको ग्लोबल वाली तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज रहेगी, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है, काफ़ी लोग इंडोनेशिया से पूछते हैं तो यहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज अवेलेबल है। और रीजन चेंज कर पाओगे, और ये है फुल स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें आप यहाँ से जेस्चर या बटन यूज़ कर पाओगे। और ये इंडिकेटर जो है हाइड रहता है, तो इसको जो है पिल को यानी हाइड रहता है, तो यहाँ से सिंपली इसको इनेबल कर लेना, बाय डिफॉल्ट हाइड रहता है। बाकी बटन आप यूज़ करते हो तो यहाँ से बटन भी सेलेक्ट कर लेना, आराम से काम कर, बटन और जेस्चर दोनों ही आपके अच्छे तरीके से इसके अंदर काम करते हैं। नोटिफिकेशन लाइट वर्किंग है। और वैसे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना, इसके अंदर आपको थीमिंग का सेक्शन डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से एसेंट कलर भी आप चेंज कर पाओगे, वर्किंग है। स्क्रीन टाइम बाहर है, फिर स्पेशल फीचर मिल जाएगा, गेम टर्बो है। और वीडियो टूल वर्क जो कि आपका साइड बार इसके अंदर लेटेस्ट दिया गया है यहाँ पे, तो इसका यूज़ आप कर पाओगे, तो मोड में ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलती हैं। और फिर यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के लिए भी दिया गया है, सेकंड स्पेस MIUI लिए भी सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बाहर फिर वही अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। एंड्रॉइड स्कोर 242,577 हमें इसके अंदर मिला ओवरक्लॉक के साथ में। और जो CPU थ्रो रेट है 89% मिला है, और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 1,46,000 है, एवरेज स्कोर में 1,36,000 देखने को मिला है। और Geekbench स्कोर में सिंगल में जो है 346 मिला, और मल्टी के अंदर 1244 जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो कुछ इस तरीके के स्कोर मिल जाते हैं। और बूट एनिमेशन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लेता है, बट यहाँ पे जो है ROG के जो बूट एनिमेशन पहले मिला करता था इसके अंदर वही बूट एनिमेशन रहेगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया। बूट एनिमेशन आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि पहले था ROG का वही मिल जाएगा, बट बूट एनिमेशन में जैसे बताया थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वेट करना। बाकी रोम का इंस्टॉलेशन नॉर्मल ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन पे वैसे इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। और ये जो है इसके मोड और लाइट वर्जन आता है, मैं मोड वाला जैसे कि आपको बताया इंस्टॉल कर रखा हूँ। अब यहाँ पे जो है आपका गेम टर्बो जो है वो भी यहाँ पे नॉर्मल कुछ इस तरीके का मिलेगा, बट इसके अंदर जो वॉइस चेंजर दिया गया है वो काम नहीं करेगा, वॉइस चेंजर का बग रहने वाला है, वॉइस चेंजर काम नहीं करता एंड्रॉइड 10 में, वैसे भी पोर्ट रोम में आपका काम नहीं करेगा। एंड इसके अंदर फिर यहाँ पे आता है ग्राफिक, जिसमें स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे और HD पे हाई तक ही अनलॉक रहेगा, स्मूथ एंड हाई पे हम यहाँ पे जो है खेलने वाले हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस देखो इस कर्नल के साथ ओवरक्लॉक्ड होने के बाद भी अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल तगड़ी आपको गेमिंग यहाँ पे मिल जाएगी, बैलेंस टाइप की जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मे भी दूसरा कर्नल अगर आप फ्लश करते हो ओवरक्लॉक्ड तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हाँ बैटरी आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो फिर नॉन ओसी ही यूज़ करना, बैटरी बैकअप अगर आपको अच्छी चाहिए इसे, इसके साथ ठीक बैटरी मिलती है, बट अगर नॉन ओसी करते हो तो बैटरी और इंप्रूव होगी नॉन ओसी में, ओवरक्लॉक्ड में बैटरी ज़्यादा फिर आपकी ड्रेन होती है, चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। न्यू कैम जो है अगर आप फ्लश करते हो तो न्यू कैम वाला कर्नल फ्लश करना। तो यही सारी चीज़ें थी, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।